चुनाव पहले सब लोग कान खोल के वोट खरीदे हैं महाराज, वोट खरीदे हैं महाराज। अभी जो वीडियो आपने देखा उस वीडियो में दिख रहा शख्स और कोई नहीं बल्कि बीजेपी का प्रत्याशी और मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक है। कन्नौज से सुब्रत पाठक सांसद हैं और जरा सुनिए क्या कहते नजर आते हैं। कहते हैं कि कान खोल के सुन लो, वोट नहीं दिए हो, पैसा से वोट खरीदे हैं। ये बात है एक मौजूदा सांसद की जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जो लोकतांत्रिक ढंग से चुन के जाता है ऐसा कहा जाता है, और वो आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते दिख रहा है भरे समाज के बीच में। वो कहता है कि सुन लो कान खोल के, वोट नहीं दिए हो, पैसा से खरीदे तुम्हारा वोट। सुनो एक बार फिर से। चुनाव पहले सब लोग कान खोल के वोट खरीदे हैं महाराज, वोट खरीदे हैं महाराज। अभी जो वीडियो है वो जम के वायरल हो रहा है। अब जब वीडियो वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास भी पहुंचा होगा, प्रधानमंत्री मोदी के पास भी पहुंचा होगा। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी इन सभी चीजों पे खुद से नजर रखते हैं, बहुत नजर रखते हैं। अब जरा सोचिए कि बीजेपी ने या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इनको टिकट दिया होगा इनकी क्रेडिबिलिटी पे, इनके काम को लेके, ये देख के दिया होगा कि पिछली बार जीते थे, अच्छी संख्या से जीते थे, तो इस बार भी जीत के आएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन पीएम मोदी को कहां पता कि उनके सांसद क्या कर रहे हैं? पीएम मोदी को कहां पता कि उनके सांसद कैसे जीत के जा रहे हैं? पीएम मोदी को कहां पता कि उनके सांसद भरी समाज में लोगों से क्या कह रहे हैं? अब जरा सोचिए, सांसद साहब ने ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर सवाल उठाया है, बल्कि सांसद साहब ने चुनाव आयोग के जो काम करने के तरीके होते हैं, वोट डलवाने के तरीके होते हैं, उस पर भी सवाल उठा दिया है। चुनाव आयोग इन सब चीजों पर ध्यान देता है ना कि भाई पैसे से वोट ना खरीदा जाए, लेकिन यहाँ पे तो सांसद ही खुल के बोल रहे हैं कि पैसे से वोट खरीदे हैं। उसको भी छोड़ दीजिए, इन्होंने तो संविधान की भी धज्जियां उड़ा दी है, इन्होंने तो जनता की भी धज्जियां उड़ा दी है। जो जनता, जिस जनता ने भी इनको वोट दिया होगा, जरा सोचिए उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा कि मेरा सांसद ऐसे पैसे दे के वोट खरीद लेता है संविधान में। अब सवाल यहाँ पर खड़ा ये होता है कि क्या ये वीडियो अगर पीएम मोदी के पास पहुंचा होगा तो क्या इनका टिकट कटेगा? क्या बीजेपी इन पे एक्शन नहीं लेगी? क्या बीजेपी को इन पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? कैसे कोई सांसद सबके सामने आके खुल के बोल सकता है? अगर कोई जनता, अगर कोई किसी जगह का नागरिक, कोई वोटर, कोई सिटीजन अपने जनप्रतिनिधि को, अपने सांसद से शिकायत कर रहे हो, उसे नाराज है, और आप उसकी नाराजगी दूर करने जाते हो तो नाराजगी दूर करके नहीं आते हो, ये सीधे बोल के आ जाते हो कि भाई तुमने वोट नहीं दिया, कान खोल के सुन लो, तुम्हारे वोट को तो हमने खरीदा है, हमने पैसे पे वोट डलवाए। ये कोई सलीका है? ये कोई सांसद होता है ऐसे काम करता? कोई सांसद ऐसे काम करता है? कोई सांसद ऐसे बोल सकता है? और खासकर इन्होंने बात तब बोली है जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ये पूरा मामला क्या था, चलिए आपको समझाते हैं। सुब्रत पाठक अपने क्षेत्र में लोधी समाज के लोगों की नाराजगी दूर करने पहुंचे थे, जहां उन्हें जनता ने जमकर खरी खोटी सुनाई, कहा कि हमने आपको वोट दिया था लेकिन आप हमारा काम नहीं कर रहे हैं। इतना सुनते ही सुब्रत पाठक ये भूल बैठे कि वो इस बार चुनावी मैदान में हैं और ना आए देखा, ना बाएं देखा, ना सदन जाने का ख्वाब देखा, सीधे बोल बैठे कि कान खुल के सुन लो, आपने हमें वोट नहीं दिया, मैंने वोट खरीदा है। एक बार फिर सुनिए इस वीडियो को। चुनाव पहले सब लोग कान खोल के वोट खरीदे हैं महाराज, वोट खरीदे हैं महाराज। अब इस वीडियो पे विपक्ष भी हमलावर है। समाजवादी पार्टी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, भाजपा के बेशर्म सांसद कर रहे हैं पिछड़ों का अपमान। कन्नौज में रानी अवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा हटाने को लेकर विरोध करने पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कह दिया कि पैसों से खरीदा है लोधी समाज का वोट, शर्मनाक। एक बार फिर दलित, पिछड़े और उनके महापुरुषों के विरोध में भाजपाइयों की नफरती सोच उजागर हो गई है। पीडीए विरोधी इन नेताओं को जनता इस बार सत्ता से बाहर करेगी। वहीं शिवपाल यादव भी ट्वीट करते हैं, इस वीडियो को ट्वीट करते हैं शिवपाल यादव और लिखते हैं, कन्नौज में भाजपा प्रत्याशी के लिए पूरा लोकतंत्र बाजार है और प्रत्याशी महोदय खरीदार है। इनके अनुसार मतदाता बिकता है और अपने हनक व सनक से
ये मतों को खरीद सकते हैं। यह लोकतंत्र व कन्नौज के देवतुल्य मतदाताओं का अपमान है। चुनाव आयोग ऐसे घृणित बयान का संज्ञान ले। अब आखिर में मेरा सवाल आपके लिए है और बीजेपी के लिए भी है और इलेक्शन कमीशन के लिए भी है। सीधे सीधे इन्होंने चुनौती दी है अपने हाई कमांड को, सीधे सीधे इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ में बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि उनके काम को लेके लोग वोट देते हैं। ये काम को लेके वोट था, ये तो बोल रहे कि पैसे दे के मैंने वोट डलवा दिया। क्या प्रधानमंत्री मोदी इनके ऊपर एक्शन लेंगे? क्या बीजेपी एक्शन लेगा? क्या चुनाव आयोग एक्शन लेगा? आप हमें कमेंट में बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।